कई प्रदर्शन हुए, कई चीजें देखने को मिली, इनको क्या मैसेज आप न्यूज 18 के जरिए देंगे? जब भी अभ्यर्थियों से हमारी बात होती थी तो मैं कहता था कि देखिए, चूंकि मामला माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, इसलिए जब तक न्यायालय का निर्णय नहीं आता हम कुछ नहीं कर सकते। आप धैर्य रखिए, न्यायालय का निर्णय आते ही बहुत तेजी से इस भर्ती प्रक्रिया को हम संपन्न करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे 69,000 नौजवानों को रोजगार मिले। वो योग्य लोग हैं, वो बहुत प्रतिभाशाली लोग हैं, उनकी योग्यता और प्रतिभा का हमारे बेसिक शिक्षा विभाग को लाभ मिले। हम कहते थे उनसे कि आप धैर्य रखिए और माननीय न्यायालय का जो भी फैसला आएगा उस दिशा में सरकार आगे बढ़ेगी। आज मैं उन सभी को बधाई देता हूं जिन लोगों ने इतने धैर्य के साथ इतने दिनों तक इस फैसले का इंतजार किया है। आज माननीय न्यायालय ने तस्वीर साफ कर दी है और उसके अनुरूप सरकार आगे की कार्रवाई करेगी। सतीश जी, एक महत्वपूर्ण बात यह भी निकलकर सामने आ रही है कि जब हमने देखा था सिंगल बेंच का फैसला, तब उसके बाद सरकार जानती थी कि स्थितियां ऐसी नहीं है और सरकार ने उस फैसले को चुनौती दी थी, डबल बेंच पे गई थी। आज का दिन कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप? नहीं, बहुत अच्छा, निश्चित रूप से हमको प्रसन्नता है। हमारा विभाग जो माननीय न्यायालय के सामने जो अपनी बात लेकर गया था, न्यायालय ने उस पर मुहर लगाई है। हम कह रहे थे कि बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, उसमें से हमको 69,000 लोगों को चुनना है। हम लगातार जब से योगी सरकार आई है बेसिक शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, अच्छी शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए हमको अच्छे शिक्षक चाहिए थे और उस अच्छे शिक्षक के चयन का जो हमने मापदंड तय किया था, उस मापदंड पर माननीय न्यायालय ने मुहर लगाई है। मैं न्यायालय के इस फैसले का स्वागत करता हूं और निश्चित रूप से मैं प्रसन्नता व्यक्त करना चाहता हूं आपके माध्यम से। सतीश जी, अब बेसिक शिक्षा विभाग का कुनबा मजबूत होगा, इतने सारे सहायक शिक्षक आएंगे तो आपका कुनबा मजबूत होगा। ऐसे में क्या आपकी अब प्रायोरिटीज रहेंगी और इस फैसले के आने के बाद, ये 6 महीने का वक्त बताया जा रहा है कि कोर्ट के फैसले में दिया गया है, तो कैसे प्रक्रिया होगी अब आगे की? बिल्कुल, हमारी तैयारी बिल्कुल पूरी है। हम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे थे। कोर्ट ने जो समय निर्धारित किया है उसके भीतर ही हम इस पूरी नियुक्ति प्रक्रिया को संपन्न कर लेंगे। सतीश जी, माना जाए कि अगले कुछ महीनों में ये भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और उसके बाद बेसिक शिक्षा विभाग में जो तमाम दिक्कतें शिक्षकों की कमी की वजह से सामने आती हैं, अब वो आने वाले वक्त में नहीं होंगी? बिल्कुल, आप देख रहे हैं जब से योगी सरकार आई है उत्तर प्रदेश में, लगातार हम 50,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती अलग अलग भर्तियों में कर चुके हैं। एक बड़ा ये 69,000 की संख्या थी, अगर ये मामला न्यायालय में नहीं गया होता तो 69,000 शिक्षक और मिले होते, 69,000 नौजवानों को, लड़के लड़कियों को रोजगार मिला होता, तो आज ये मार्ग प्रशस्त हुआ है। तो हम यथाशीघ्र जो समय दिया है माननीय न्यायालय ने, उस समय के पूर्व ही इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न करेंगे। लेकिन लॉकडाउन का ये पीरियड चल रहा है, ऐसे में किसी भी तरह से लोग अपने रिएक्शंस को बाहर आके नहीं दे सकते हैं, आप भी जानते हैं इस बात को, तो ऐसे में जो दूसरा पक्ष है जिन्होंने कि अपनी बात को रखने की काफी कोशिश की और सिंगल बेंच में जिनके पक्ष में फैसला आया था 40 से 45 कट ऑफ, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा उनके लिए कि भारत की न्याय व्यवस्था दुनिया की सर्वोत्तम न्याय व्यवस्था है। पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि यहाँ जो न्यायालयों के फैसले आते हैं वो बहुत ही उचित फैसले होते हैं। तो एक साल से ये जो बाधा है जिसके कारण से स्कूलों को शिक्षक नहीं मिल पा रहे थे, पठन पाठन भी प्रभावित हो रहा था, इसलिए मैं यही कहूंगा कि सबको माननीय न्यायालय के फैसले का स्वागत करना चाहिए और लगातार ये मौके मिलेंगे, फिर जितने पद रिक्त होंगे फिर उनका विज्ञप्ति आएगा, फिर उसमें लोग शामिल हो सकते हैं, लोगों को अवसर मिलेगा। इस प्रक्रिया को संपन्न होने देना चाहिए ताकि हमको इतने शिक्षक भी मिल सकें और हमारे पठन पाठन की प्रक्रिया भी सुचारू रूप से चल सके। सतीश जी, मैं खुद देख रहा था कि पिछले एक साल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी खुद ये चाहते थे कि 69,000 शिक्षक भर्ती का परिणाम जल्द से जल्द सामने आए और वो इस प्रक्रिया को पूरी करें, तो क्या पिछले एक साल के दौरान जब ये पूरा मामला अदालत में था, मुख्यमंत्री की तरफ से आपको कभी ब्रीफ किया गया और इस पूरे मामले को लेकर के कभी कुछ बात की? बिल्कुल, मैंने जब अगस्त में इस विभाग का दायित्व संभाला और उस समय हमसे लोग मिलते थे जो अभ्यर्थी थे, वो कहते थे कि इसमें सुनवाई की प्रक्रिया में तेजी लाया जाए, महाधिवक्ता जल्दी जल्दी उपस्थित हो जाया करें ताकि जल्दी हो, और इस बारे में जब भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को सूचित करता था, उनसे आग्रह करता था, तो उनका हमेशा यही रहता था कि हम भी चाहते हैं कि जल्दी इस मामले का निपटारा हो और ये 69,000 की जो शिक्षक की भर्ती प्रक्रिया वो पूरी हो। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की उनकी रुचि और उनकी तत्परता के कारण ही ये संभव हो पाया है। तो आगे ये माना जाए कि जिस तरीके से अब यहाँ पर कोर्ट के फैसले के बाद जिस तरीके से मोहर लगी है, आगे आने वाले वक्त में जितनी भी भर्तियां होंगी यही मॉडल सरकार का रहेगा?
अब ये देखिए कट ऑफ जो तय होता है, कट ऑफ उस समय हमारे पद कितने विज्ञापित हुए हैं और आवेदन कितने आए हैं उस आधार पर ये कट ऑफ तय किया जाता है। हाँ, इतना जरूर हम ध्यान रखेंगे कि इस पूरी प्रक्रिया में जो सुनवाई के समय या अन्य मौकों पर जो माननीय न्यायालय के जो सुझाव आए हैं, जो टिप्पणियां आई हैं, अगले जब विज्ञापन होंगे, अगली भर्ती प्रक्रिया होगी, तो उसमें इन सब चीजों पर सम्यक विचार करेंगे ताकि इतना समय ना लगने पाए किसी भर्ती में, बहुत ही कम समय में चीजें निपट जाए। सतीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज 18 के साथ बातचीत करने के लिए। इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर पर लगातार न्यूज 18 बना हुआ है। शिक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट का फैसला